फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करते आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग आशीर्वाद से ठीक हूँ। और अभी जो है शाम भी नहीं बोल सकते ना रात बोल सकते फ्रेंड, मतलब कि आप समझ लिया 8:15 हो रहा है और अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और चेहरा में क्या लगाई हूँ देख सकते, पूजा दीदी चेहरा में लगाई ना तो फिर हम भी बोले कि थोड़ा सा मेरे को भी दे दीजिए, तो लगा ली हूँ चेहरा में। और पूजा दीदी जो है पूजा वाला रूम में बैठी हुई, जीजा भी है। और अभी मैं लगाई हूँ, बाबू को भी तेल मालिश हो गया था तो चलिए लगा लेते हैं। तो बोल के तो पूजा दीदी आप क्या क्या मिलाई है पता नहीं इसमें, जो हम गोरा होने के लगा रहे मैं फेस ना बहुत ज़्यादा चाहिए, वह सब डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक हो गया इसलिए। और पूजा दीदी पता है क्या क्या लगाते हैं देखिए, सब प्रूफ दे रहा आप लोगों को, सिगरेट, ये हल्दी है, क्या क्या नाम है पता नहीं, ये मिट्टी है क्या मट्टी क्या क्या बोलते हैं इसको मेरे को पता नहीं है। अच्छा देख सकते सब दीदी का राज देख लीजिए, और भी है देखिए ये सब फ्रेंड। और उसमें गुलाब जल देती है दीदी मिक्स करने के लिए, या दूध का मलाई ना दूध देती शायद। और यहाँ पे दीदी है, दीदी अपना चेहरा देखिए तो पूजा दीदी से बहुत भयानक दिख रही है। और मेरा बेटा ना मेरे को पहचान लिया फ्रेंड, पता है इतना मेकअप करने के बाद भी ना दीदी मेरे को पहचान लिया मेरा बेटा है, बताइए बेटू भूत आ गई दादा तो भूत आ गया, डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है नहीं, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है। पूजा दीदी को देखिए और मेरे को देखिए, जब पूरा चेहरा में पूरा भर चुका है फिर भी मेरा बेटा मेरे को देख कर पूरा स्माइल कर रहा, खुश हो रहा है ना दीदी। तो कोई बच्चे लोग होता है ना डर जाता, लेकिन डर रहा नहीं है ना दीदी, नहीं बहुत आवाज पहचान रहा, जो आवाज पहचान लिया ना उसको पता है मेरा माँ है, आवाज पहचान लिया है, ये बच्चे हैं, ये शैतान है, ये पीटो मार मिल गई है टगलू को, मार मिला बेटे लड्डू को पूजा कल जा कहीं ना पर कर ले तू। हां कल ने सब पैक कर दिया है कपड़ा से, नहीं नहीं पैक नहीं के अभी तक करेंगे अभी आधा हुआ है। ए देखिए गिरा दी जीजा भी दीदी का थंबनेल बना रही है। हम जा रहे हैं फेस धोने के लिए क्योंकि सूख गया है, तो अभी इसको हम जो मतलब फेस को धोते तो फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका, ठीक है आप लोगों को फिर बताएंगे कैसे। तो हल्का हल्का पानी डाल के पहले इसको 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसाज करेंगे हम लोग, मसाज करने के बाद इसको जो है धोएंगे वो अच्छे पानी में। तो पूरा जो धो ली है तो दीदी बोल रही कि हल्दी हल्दी फेस दिख रहा, बोल रहे दिखाई ना ये तो इसमें कैमरा में नहीं दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिख रहा लेकिन हल्का हल्का लग रहा हल्दी हल्दी, लेकिन पर हम लगाए हमेशा यूज करते कभी ऐसा हल्दी हल्दी नहीं दिखता है, नहीं आज दिख रहा है। तुम धो देख, हमको धोना होता है तो फिर अलग दिन मेरा ब्लॉग तो बने रही है। फिर फेस धोने के बाद देख सकते कि कैसे क्लीन दिख रहा है मेरा फेस, हम कमेंट कर बताइए फेस क्लीन दिख रहा है कि नहीं फ्रेंड। देखिए बहुत अच्छा मतलब है प्रोडक्ट जो लगाया है। और अभी पूजा दीदी लोग जा रही है सब्जी मार्केट, जो सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेने जा रही की तो क्या लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं आधार कार्ड फोटो सब जेरोक्स। अच्छा आधार कार्ड का जेरोक्स करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड और फोटो का जेरोक्स मांगे हैं, तो इसलिए दीदी जा रही है। हाँ ये अपने हो जाता है अंधेरा जिससे होगा ना उसका फोन वैसे अपने ऐसे गोल हो जाता है जो फेस लाइट पर मरता है ना, वाओ वो अंधेरा में होता है शायद। हाँ चलो मारे ना, ओके लड्डू बाय। लड्डू अभी जानते हो ना पलटी होने अभी सीख रहा है पलटे ऐसे होने के लिए, तो ना आधा पलटी होता आधा नहीं सक रहा है, तो अभी जब तक पूरा पलटू ना नहीं सकता तब तक तो वो चिल्लाते रहता रोते रहता है, तो सोचता हूँ कि पूरा पलटी होने कहीं नहीं सक रहा पर बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन नया नया मूवमेंट बच्चे लोगों को देखने से ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, सच्ची बता रहे हैं। इसलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने, हम गेट को बंद कर रहे थे क्योंकि घर में रहेंगे बच्चा मर बाबू सब कोई गया है बाहर, जब आया तब गेट खोल देंगे ना, तो इसलिए मैं प्यार है सपोर्ट ऐसे करते रहे फ्रेंड। और कल आने वाले एक जन कौन आने वाला वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं फेस का खुशी सब लोगों को लगता है कौन आने वाला है, इसलिए हम जाते बाबू को गोदी कर रहे थे, रो रहा है देख रहा है मेरे को गोदी कर रहे कि सो फिर रोने स्टार्ट कर रहा है। बड़ा बदमाश हो गया तुमने बेटा, इतना बदमाशी करते हो तुमको टागलो लाडू लाडू गोलू गप्पू।
लेकिन शान से देख रहा है मेरे को, हम बात कर रहे तो चलिए बने रही मैं ब्लॉग पर फ्रेंड। तो मैं बाबू को लेकर बैठी हुई थी, उसको मैं दूध पिला रही थी, तो फिर मेरा भाई पता नहीं कहाँ से इतना सारा आइसक्रीम लेकर का आया। आइसक्रीम नहीं बोलने से पेप्सी बोलते हैं ना, बट आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। पूजा दीदी खरीद दिया, देख रहे हैं यहाँ पर छीना छटी और इतना सारा आइसक्रीम, बाप रे बाप। हम एक ले लेते हैं, मेरा भाई एक खाते खाता है, एक पीओ के दिया था हमको, पहले पानी में जो है थोड़ा ये खा लेते हैं ना फ्रेंड, वो ज़्यादा कड़ा है और ये थोड़ा सा पिघल रहा है, पिघल गया, ज़्यादा नहीं पिघला तो मज़ा नहीं आएगा क्या फ्रेंड खाने में। चार टू बज गया, पिघल गया मतलब छः टू चार को खत्म, पिघल गया फ्रेंड। किचन क्यों रहा है अभी क्या बनाएंगे समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें मैगी सामने बनाई थी दीदी, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगा था मैगी, और इसमें रोटी था है मेरा भाई खाया, और यहाँ पर बर्तन कुछ दीदी धोकर रखी है, तभी हम थोड़ा सा बर्तन इसको धो लेते हैं, और अभी क्या बनाना है दीदी से पूछ लेते हैं, फिर कब सब्जी वब्जी काटने चल करेंगे। तभी हम जा रहे पानी नहीं भरते, इसमें बोतल सब खाली होगा, सब बोतल एक जगह करते हैं, पानी नहीं भरते हैं, अरे लड़ाई पिट के लग रही है, मारा मारी वाले लड़के देखे ना, मारा मार खेला खेले वाले देखे देख रहे। अरे फिर सब कागज सब एक जगह कर रही है दीदी, बनाना क्या है, फूल गोभी आलू की सब्जी, रोटी, आटा दीदी जब आटा सान दे रहे हम, पानी नहीं एक जगह कर लेते, आप रखे रहिए, फिर वो जानते ना हम इधर उधर रख देंगे फिर दिक्कत पड़ेगा। तो हम लोग का पास बन चुका है, कैसे पास बना दीदी दिखा है, हाँ दादाई दिखा दीदी आटा दे चुकी, तभी हम आटा सानने जा रहे हैं, दीदी अभी रोटी बनाएंगे, अभी मैं ननंद को भी काम मिल रहा है अभी फूल को भी आलू काटने का, और मैं भाई आलू छीलने में स्पार्ट है, और मैं ननंद सब्जी काटने में स्पार्ट है, तो लोग अभी सब्जी काटने का काम है, और मेरे को आटा सानना है, और क्या करना दीदी, आटा बेलना है ना, हाँ रोटी बेलेंगे आटा बेलेंगे सब बेलेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट, इसको सान लेते हैं आटा को सॉफ्ट सॉफ्ट। वेलकम टू माय चैनल पे आप सबका स्वागत है, मुझे बढ़िया होंगे स्वस्थ मस्त होंगे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे होंगे, मुझे बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड अभी जो है नहा लिए सर धो करके घर, मतलब सर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि पूरा अजीब से लग रहा था, भारी भारी से लग रहा था, तो सर धो के नहा लिए, और घर में मतलब पूजा दी झाड़ू लोग कर देते, बर्तन वर्तन धो ली थी पूजा दी, तो हम बाबू को फ्रेश व्रेश करा के उसके बाद पोछा उछ लगाने के बाद पूजा दीदी यहाँ पे पूजा कर ली, अच्छा गुरुवार है तो सिर्फ पूजा दी यहाँ पर पूजा कर ली, और नाश्ता में क्या बनने वाला ये आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड। नाश्ता में बने काश मैगी और मुड़ी खाने वाले मैगी, यो इतना सारा मैगी है, ये मैगी अच्छी बनेगा खाने का, और जीजा जी मेरे लिए ला दी थी शैम्पू, डब शैम्पू शर मिलाने के लिए, बस यही था फ्रेंड। तो मेरा बेटा पूरा लंगू पंगू है, और वो अपने मज़े से खेल रहा है, क्योंकि उसको उसकी प्यू दीदी दी है एक डॉग, तो डॉग के साथ में बहुत अच्छा सा खेलता, देख सकते ये डॉग है डी फॉर डॉगी ना लग दे, देखिए याद है इसको, देखिए लो। तो फ्रेंड्स हमको बाबू के लिए जो टेडी बियर से बहुत सारा खिलौना अभी लेना होगा, क्योंकि अभी ये सीख रहा है खेलने के लिए, किसके लिए लेना होगा टॉय से ना फ्रेंड, तो देखिए कैसे पकड़ लेता है टेडी को, लो ठीक है ना, देखिए देखिए कैसे पलटी होने की कोशिश कर रहा है तो खेलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, हाई वक्त लगो मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सर कमेंट कर दीजिए, और मेरे भाई को देख सकते हो क्या नौटंकी कर रहा पता नहीं, तो क्या बोले फ्रेंड। और हम लोग जाने के लिए अभी जो हम लोग पैकिंग वैकिंग अभी स्टार्ट हुआ है, वो आप लोगों को ब्लॉग में मिल जाए तब ब्लॉग पर मिल रही है, और मेरा ब्लॉग सिर्फ सिंपल सा आ रहा है फ्रेंड, इसमें कुछ दिख रहा नहीं है, बस इतना जो मैं कर रही हूँ जो ये कर रही हूँ और सब बस आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड।